जय श्री राम। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे व्यतीत होंगे आने वाले समय आपके लिए, 5 से 7 वर्ष जीवन के लिए, क्योंकि बहुत सारा परिवर्तन आपके लिए होने वाला है। लाइक आपके शनि अभी 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, फिर 5th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, 6th हाउस में गोचर करने जाएंगे, इवन आने वाले 5 से 7 वर्ष में आपके 7th हाउस तक जाएंगे। राहु आपकी राशि तक पहुंचने वाले हैं आने वाले 5 से 7 साल में। बृहस्पति भी आपकी राशि तक पहुंचेंगे। सो ये बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन के अंतर्गत रहेंगे। उस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और जब मैं वृश्चिक राशि की बात करता हूं तो मुझे एक शब्द याद आता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी इनको कहीं न जाना, यानी बहुत इमोशनल हृदय जिसकी बात की जाती है। मैं जब वृश्चिक राशि की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो सबके साथ अच्छा करने के बाद भी इमोशनल सपोर्ट नहीं प्राप्त कर पाते या नहीं प्राप्त कर पाती है। जनरली लोग पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं, सामने कुछ और बात करते हैं, षड्यंत्रकारी लोगों से मुलाकात होती है। इस प्रकार की परिस्थिति मुझे वृश्चिक राशि के लिए दिख रहा है। जीवन में एक बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि सब कुछ जीरो पर जाता है, फिर जीवन को स्टार्ट करना पड़ता है, और बार बार मन में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ये भी क्लियर है। एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप अपने क्षेत्र में रामकथा, भागवत कथा या शिवपुराण की कथा आयोजन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और चाहते हैं कि मैं आकर वो कार्यक्रम करूं, आपके साथ लोगों को जोड़ूं, सनातन धर्म का प्रचार हो, आपके ग्रह अनुकूल हो और पित्र दोष इत्यादि की शांति हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं। ज्योतिष के किसी भी क्षेत्र पर बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो बिल्कुल फ्री है, आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ करके बात कर सकते हैं, फ्री में वो। ओके, सो मैं वृश्चिक राशि की बात करने जा रहा हूं, जो कालचक्र की अष्टम भाव की राशि है, जिसके स्वामी मंगल है, जो जल तत्व की राशि है, जो पूर्व दिशा की राशि है। वृश्चिक राशि कैसे बनती है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि जो आपकी तैयार होती है, वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण मिलाकर के वृश्चिक राशि होती है। ये मंगल का घर है। एक बात ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि के अंतर्गत अगर बात किया जाए कि विशाखा नक्षत्र का एक चरण मैंने कहा, तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति, यानी बृहस्पतिवार को पूजा करना चाहिए। व्याघ्र योनी होती है, गौ योनी के साथ ना तो बिजनेस करना चाहिए और ना ही मैरिज इत्यादि करना चाहिए। राक्षस गण होता है, देवगण के साथ ना तो मैरिज ना तो व्यापार इत्यादि, वो बहुत दिन नहीं चल पाता है, नहीं करना चाहिए। इंद्राग्नि इसके देवता होते हैं, इसलिए यज्ञ इत्यादि कार्य जरूर करना चाहिए, लाल वस्त्र पहनने से फायदा होता है। अनुराधा नक्षत्र जिसके स्वामी शनि, ओके, वृश्चिक राशि और मृग योनी होती है श्वान योनी के साथ, यानी जिसका श्वान योनी हो उसके साथ मैरिज व्यापार इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवगण होता है, राक्षस गण के साथ व्यापार इत्यादि या मैरिज इत्यादि नहीं करना चाहिए, और मित्र इसके देवता होते हैं। साथ में बात करेंगे, अगर हम उसके साथ बात करें वृश्चिक राशि के लिए, क्षमा चाहूँगा, वृश्चिक राशि के लिए शायद थोड़ा डिफरेंट था। विशाखा नक्षत्र 1 चरण, अनुराधा नक्षत्र यस, और उसके साथ ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी, ज्येष्ठा नक्षत्र में नो या ई ऊ यू ये राशि आता है। मृग जिसके जिनकी योनि होती है श्वान योनि के साथ विवाह इत्यादि नहीं करना चाहिए। राक्षस गण होता है, देवगण के साथ विवाह इत्यादि नहीं करना चाहिए। इंद्र इनके देवता होते हैं। सो ये जनरली एक साधारण परिस्थिति है। अब सोचिए वृश्चिक राशि के अंतर्गत, जनरली हम लोग कई बार चर्चा किया करते हैं, आप लोग भी चर्चा करते हैं कि भाई एक राशि के बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटित होती हैं, ये लोग गलत बोलते हैं, या मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया, आप कुछ और बोल रहे थे, ये बहुत सारी चर्चाएं एस्ट्रोलॉजिकल क्षेत्र में देखने को मिलती है। देखिए, क्रिटिसाइज करने को किसी भी क्षेत्र को लेकर के बहुत लोग हैं, बहुत कहा जाता है ऐसा तो हमारे साथ हुआ नहीं, जैसा इन्होंने बताया ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं, एक ही राशि में जब 9 प्रकार के लोग हैं तो उन 9 प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि राम की रावण की राशि एक ही थी लेकिन दोनों के विचार डिफरेंट थे, कृष्ण की कंस की राशि एक ही थी लेकिन विचार यस बिल्कुल थे साहब, कृष्ण कंस की राशि एक थी, विचार डिफरेंट थे क्योंकि नक्षत्र का चरण अलग अलग था, राशियों का चरण अलग अलग था। राम रावण की राशि एक ही थी लेकिन विचार डिफरेंट थे कि चरण अलग अलग उनका था,
और राशियों का नक्षत्र अलग अलग था। तो इसी प्रकार एक राशि में मैंने जब बताया, जब मैं आज बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि को लेकर के, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं इस राशि के अंतर्गत, यानी इस व्यक्ति का विचार मैथमेटिक्स है, जोड़ने घटाने सोचने चीजों को अंदर तक जाने वाला विचार है। इस व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मानसिक श्रम की बात करनी चाहिए, यानी मानसिक जो जिसमें ज्यादा मदद की बात हो, साइंटिस्ट बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। ओके, साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई रिसर्चर बनता है, तो ऐसे व्यक्ति भूभाग शास्त्री बनता है, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। लेकिन अब इसी व्यक्ति को आप पुलिस के क्षेत्र में उठा करके डाल देंगे तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा वो व्यक्ति। अगर उसको किसी डिफरेंट विभाग को सिलेक्ट करता है तो उसके लिए मुश्किल होगा। अब अनुराधा नक्षत्र जिसके स्वामी बुध है, इस व्यक्ति के लिए एनजीओ चलाना, लोगों के सेवा से संबंधित जो कार्य है उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप डिफरेंट किसी फील्ड में डालेंगे तो वहां अनकंफर्टेबल फील करेगा या करेगी, उसको उतना मजा नहीं आएगा। इसी प्रकार से बृहस्पति विशाखा नक्षत्र के स्वामी, ये भी ये सब वृश्चिक राशि के अंतर्गत ही आते हैं जिनकी बात कर रहा हूं, इसको धार्मिक कार्य, कथा करना, भागवत करना, ज्योतिष करना, मार्गदर्शन देना, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना, जज बनना, कंसल्टेंसी से, ये सब क्षेत्र इसके लिए फायदेमंद होते हैं। तो एक ही राशि के लोगों को अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं, नेचर अलग अलग है, विचार अलग अलग है, घटनाएं अलग अलग घटित होती हैं। पहले ये जानना चाहिए कि मेरा कौन से राशि का कौन सा चरण है, कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण है, तो मेरे लिए किसकी पूजा करना फायदेमंद है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम वृश्चिक राशि के लिए बात कर रहे हैं नौ चरणों को लेकर, कि ये आगे बहुत काम आना है, जो वीडियो में बताने जा रहा हूं अलग अलग समय पर उसको लेकर बड़ा काम आएगा। तो नौ चरणों में किस चरण में जन्म होने पर आपकी क्या परिस्थिति होती है, अगर आपका जन्म पहले चरण के अंतर्गत होता है, वृश्चिक राशि में आपका जन्म हुआ है, पहले चरण में जन्म हुआ है, तो आप बहुत धनवान होते हैं। कई बार होता ना कि आप किसी आप जन्म ले लेते हैं, उसके बाद घर में धन की बड़ी वृद्धि हो जाती है, या किसी बच्चे के जन्म के बाद घर में बड़ी धन की वृद्धि हुई है, बड़ा लाभ हुआ है। तो वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है लेकिन पहले चरण में जन्म हुआ है, तो ऐसे जातक जातिका जीवन में बहुत धनवान होते हैं, उनके जीवन में धन की बहुत वृद्धि होती है। अब अगर दूसरे चरण के अंतर्गत किसी का जन्म हुआ है, वृश्चिक राशि में ही जन्म हुआ है, लेकिन अगर दूसरे चरण के अंतर्गत किसी का जन्म हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यशस्वी यानी भाग्यशाली रिस्पेक्टिव किसी आईएएस बनना, आईपीएस बनना, किसी एक अच्छे पोजीशन पर गए जहां पर उनका बड़ा रिस्पेक्ट है, उसका चेहरा भी अलग होगा, उसका बोलने के तरीके में भी बहुत डिफरेंस होगा, और आपका ये सब आपके अंदर होता है, आप बहुत एसएसबी बनते हैं, बड़ा आपका वो होता है। तीसरे अगर चरण में जन्म होता है तो अज्ञाता बहुत कहा जाता है, और आगम ज्ञाता कहा, आगम ज्ञाता का मतलब जानते हैं क्या है, जैसे आपने अभी देखा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े फेमस हुए, या कुछ लोग बहुत फेमस हैं जिनको इंट्यूशन होता है ना, इंट्यूशन होता है। आपने एक लड़की का नाम सुना होगा, आई थिंक वो क्या नाम है, सुहासिनी या कुछ नाम है उस लड़की का, जो आप कुछ नंबर सोच रहे हैं तो नंबर बता देती है, या आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बता देते हैं कि ये आपके फ्यूचर में होने वाला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, और जो बताते हैं ऐसा सत्य निकलता है, उन्होंने स्वप्न देखा तो पहले ही वो देख लिया जो आगे होने वाला है, इसको आगम ज्ञानी कहा जाता है, आगम ज्ञाता कहा जाता है। तो अगर तीसरे चरण में जन्म हो वृश्चिक राशि में तो ऐसा होता है, चौथे चरण में जन्म होता हो तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत भगवान की आराधना इत्यादि महांतिक कहा जाता है करके बड़ा नाम कमाता है, लेकिन आर्थिक दिक्कतें हमेशा चलती रहती हैं और पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ा व्यक्ति अशांत रहता है या रहती है। पांचवें चरण में अगर जन्म हुआ तो कुल मंडन यानी वो कुल का नाम बढ़ा देता है, उसके कुल में जितने लोग हुए हों उनमें सबसे बेहतरीन बनता है या बनती है, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। छठे चरण में धन्योपार्जक बहुत पैसा कमाने वाला, बहुत धन कमाने वाला या कमाने वाली, लेकिन उस धन का सुख स्वयं नहीं भोगते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है। सातवें चरण में बहुत विद्वान होते हैं या होती हैं, उनकी विद्याएं बहुत अच्छी होती हैं। आठवें चरण में राज्यमान यानी ऐसे पोजीशन पर पहुंचते हैं जहां बड़ा रिस्पेक्ट होता है, कोई परिस्थिति पहुंचे
सरकार उनकी रिस्पेक्ट करती है, राजा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके एरिया के लोग उनके बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उनके बड़े फॉलोअर होते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो राज्यमान ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसे लोग राज्यमान होते हैं। अगर नवे चरण में जन्म हो तो यश मान सम्मान कीर्ति बहुत बढ़ती है, ऐसे लोगों को यशस्वी कहा जाता है, वाहन और अच्छे घर का सुख प्राप्त होता है। लेकिन मध्य एज में उनके बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है। अब चलिए और बढ़ते हैं कि वृश्चिक राशि में जन्म होने पर कब कष्ट उत्पन्न होता है, कौन सा समय बेहतर रहता है, कौन सा बेहतर नहीं रहता है। वृश्चिक राशि में अगर जन्म होता है तो दूसरे मास में जब 2 महीने का बालक होता है तो उसके जीवन में कष्ट होता है, उसको रोग इत्यादि होता है, दिक्कतें होती हैं। 7 वर्ष में रोग इत्यादि होता है, 7वां वर्ष उस बालक के लिए कष्टप्रद होता है। 8वें वर्ष में जल से समस्या होती है, जलघात इत्यादि की दिक्कत होती है, तो 8वें वर्ष में जल इत्यादि से दिक्कत होती है। 11वें वर्ष में कोई वृक्ष इत्यादि ऊपर गिर पड़ता है या वृक्ष से गिर पड़ते हैं, जिस कारण से 11वें वर्ष में वृक्षघात इत्यादि होता है, दिक्कत होती है। 32वें और 35वें वर्ष में लोहे से घात होता है, यानी एक्सीडेंट हो जाए, लोहे से चोट लग जाए, लोहे से किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए, 32वें और 35वें वर्ष में लोहे से घात होती है। 45वें वर्ष में किसी अंग वृद्धि के कारण या अंग में विशेष रोग होता है, जिस कारण से किसी अंग का ऑपरेशन इत्यादि होता है, अंग इत्यादि को काटना या काटना इत्यादि पड़ता है, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। 63वें वर्ष में मृत्यु जैसा कष्ट होता है, मृत्यु जैसी पीड़ा होती है, बेहोश इत्यादि किया जाता है, कोई बड़ा ऑपरेशन इत्यादि होता है, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। लग्न पर और चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो 75 वर्ष 2 मास और 7 दिन जनरली उम्र की परिस्थिति होती है। 75 वर्ष के बाद जब ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है कृष्ण पक्ष को, मंगलवार को, रेवती नक्षत्र को, तो प्रथम प्रहर में ऐसा व्यक्ति शरीर को त्याग करता है, ऐसी परिस्थितियां जनरली कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो ये एक बड़ी जो विशिष्ट परिस्थिति ज्योतिष को लेकर के है, उस पर मैं और इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग जानते हैं, और बहुत लंबी वीडियो आप लोग भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि शॉर्ट में चीज़ें जानकारी दी जाए। हम भी प्रयास करते हैं कि आपको शॉर्ट में ही एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जाए। अब अगर हम तुला की बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें जो अभी तक बताई है इससे सारी चीज़ें आपकी मैच हो रही हैं, और आपका आने वाला जो 7 से 10 वर्ष की बात की जाए या 5 से 7 वर्ष की बात की जाए तो किस प्रकार होगा। हम पहले 2025-2024 पर अपना खास प्रभाव डालते हैं, खास दृष्टि डालते हैं कि 2024-25 आपके लिए कैसे रहेंगे। तो पहले 2024 में चलते हैं। 2024 में आपके लिए बृहस्पति मई के बाद चले जाएंगे, क्षमा चाहूंगा वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा। 2025 में अगर हम बात करेंगे तो बृहस्पति आपके लिए वृष राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले होंगे। 2025 में बृहस्पति आपके लिए वृष राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले होंगे और वो गोचर सप्तम भाव में करके आपके राशि को दृष्टि देंगे। राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और शनि का जो गोचर रहेगा वो आपके 4th हाउस के अंतर्गत गोचर रहेगा, खैर 29 जून को वक्री होंगे और आपके 3rd हाउस में गोचर करने जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। सो जब हम वृश्चिक राशि को लेकर के इस प्रकार के ग्रह गोचर की बात करते हैं, 2024 में मई से लेकर के 2024 नवंबर के मध्य में जो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। विवाह इत्यादि निश्चित रूप से आपका होगा। जीवन साथी के साथ चल रही जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन से दूर होंगी। तो अगर मैं 2024 को मोटी मोटे दृष्टि से देखता हूं, मेरे दृष्टि से किन किन चीजों को लेकर के अच्छी रहेगी, किन चीजों को लेकर के प्रॉब्लमैटिक होगी। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि शनि आपके 4th हाउस में है और घर से दूर ले जाने के लिए तैयार है। 2024 में आपका परिवार से दूर रहने का योग निश्चित रूप से बनेगा। जिनको आप दिल से चाहते हैं या चाहती हैं उनसे दूर जाने का योग बनेगा, लेकिन वो दूर किस प्रकार का होगा एक दो डिपेंड करता है कि एक दूरी मेरी होती है जिसमें मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी कारण से कोई दुखद घटना होती है जिस कारण से दूर होना पड़ता है। दूसरा कारण ये होता है कि मिठास के साथ दूर होना पड़ता है, हम दूर जरूर हैं लेकिन हमारी मिठास बनी हुई, हमारी बातचीत अच्छी हो रही है।
तो जिनको भी आप दिल से चाहते हैं चाहती हैं उनसे दूर जरूर होंगे, लेकिन मिठास उनके साथ आपकी बनी रहेगी। तो ये परिस्थिति रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत स्पेशली ये 36 ईयर की एज में है तो आपको बहुत कुछ खास प्राप्त होने जा रहा है। 2024 की अगर मैं बात करता हूं, स्पेशली 2024 में कब तक की बात करूंगा मैं, 2024 में अगर मैं बात करूंगा पूरा 2024 इवन 2025 के अगर हम बात कर लेते हैं 2025 के 1 अगस्त तक बच्चों को लेकर के चिंता रहेगी। मुझे लगता है इस बीच में जो लोग संतान की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, IVF इत्यादि का सहारा ले रहे हैं, शायद इस समय पर नहीं लेना चाहिए या भगवान इत्यादि की बड़ी आराधना करके लेनी चाहिए कि इस टाइम पर IVF इत्यादि असफल हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। संतान को लेकर के इस टाइम पर चिंतित रहेंगे, यानी बच्चे की शादी नहीं हो रही या तो उसकी चिंता, एजुकेशन को लेकर चिंता, कुछ इस प्रकार की चिंताएं परेशान करती रहेंगी। और एजुकेशन को लेकर के हाँ, एजुकेशन बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन वाला होगा। जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस लेवल तक चीजें दे पाए वो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि राहु पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये सारी परिस्थिति 2024 में आपको देंगे और 2025 तक आपको देने वाले हैं। 2024 को अगर मैं एक दृष्टि से देखूंगा, विदेश यात्रा के लिए मैं बहुत शानदार कह सकता हूं। प्रॉपर्टी इत्यादि 2024 में मिले उसके लिए मैं कह सकता हूं। 2024 में शादी हो इस प्रकार की परिस्थिति के लिए मैं जरूर कह सकता हूं। कुछ परिस्थितियों में संतान की प्राप्ति देख रहा हूं, लेकिन मैरिज, प्रॉपर्टी और विदेश यात्रा ये मैं 2024 में आपके लिए देख पा रहा हूं। 2025 में अब हम चलते हैं और 2025 देखते हैं कि हमारा कैसा व्यतीत होगा। 2025 में अगर मैं बात करूंगा मार्च के 2025 में मई के बाद जब बृहस्पति चले जाएंगे, स्पेशली मिथुन राशि के अंतर्गत बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे 2025 में, ऑलरेडी 1 अगस्त तक अगर देखा जाए 1 अगस्त तक राहु आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और उसके साथ अगर हम 2025 की बात करते हैं तो शनि जो हमारे रहने वाले हैं 2025 में भी, 2025 में जो शनि की परिस्थिति रहेगी, शनि हमारे मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, यानी शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे, राहु का गोचर जो रहेगा वो मेरे पंचम भाव में ही रहेगा। 2025 में भी अगर मैं बात करूंगा, 2025 में कहां तक मैं बात कर रहा हूं, 2025 में भी अगर हम देखें 2025 करीब करीब 18 अक्टूबर तक, 2025 में 18 अक्टूबर तक एक तो संतान से संबंधित चिंताएं, एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लमैटिक टाइम, संतान को लेकर के बहुत चिंताएं रहेंगी, एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा, प्रेमी प्रेमिका वाले जो संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगी। मुझे लगता है इस बीच में शेयर मार्केट इत्यादि से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और ये जो समय होगा बुद्धि बहुत स्पीड से काम नहीं करेगी, तो ये समय में बड़ा बौद्धिक दृष्टि से बहुत बेहतरीन नहीं देख रहा हूं। हाँ, सेहत इत्यादि समय पर निश्चित रूप से बेहतर रहेगा, विदेश यात्रा इत्यादि का योग इस समय पर जरूर होगा, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ अच्छे संबंध और फ्यूचर की प्लानिंग इत्यादि निश्चित रूप से जरूर होगी। लेकिन मैं इस समय पर एक बात जरूर कहूंगा कि 2025 में गायत्री जप इत्यादि जरूर करना चाहिए ताकि ब्रेन अच्छा रहे, स्ट्रांग रहे, अपने आप को शांत रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मैं चलूंगा 2026 के अंतर्गत, 2025 में अक्टूबर के बाद की बात करूंगा और 2026 में, 2026 की स्पेशली मैं बात करूंगा, जब बृहस्पति हमारे भाग्य स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे जो परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। अब तक अक्टूबर की अगर बात कर रहा हूं, 2026 की पूरी मैं अगर चर्चा करता हूं तो 2026 में करीब करीब कर्क राशि के अंतर्गत बृहस्पति गोचर करेंगे जो कि हमारे 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, एक बहुत सुंदर संयोग रहेगा, और उनका जो संयोग रहेगा करीब 2026 पूरा बृहस्पति यहां रहेंगे। 2026 में अगर मैं शनि की बात करता हूं तो करीब दिसंबर तक शनि मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, यानी अपने 6th हाउस में चले जाएंगे। 2026 में कुंभ राशि में करीब करीब हमारे जो गोचर करेंगे वो राहु गोचर करेंगे। 2026 में संतान को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है, संतान से संबंधित जितनी चिंताएं मुझे 2000
24 में दिख रही थी, 2025 में स्पेशली दिख रही है, 2024 में दिख रही है, वो 2026 में पूरी सॉल्व हो जाएंगी। 2026 में संतान की प्राप्ति जरूर होगी, संतान का विवाह इत्यादि रुका हुआ है तो वो जरूर होगा, विद्या अध्ययन आपका निश्चित रूप से होगा, विदेश यात्रा विद्या अध्ययन को लेकर के वो जरूर होगी, ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, तो शब्दों में बड़ी अच्छी वो आएगी। और स्पेशली जो लोग मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या पॉलिटिकल क्षेत्र से हैं, तो 2026 में ये सब चीजें निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहेंगी। संतान से रिलेटेड जितनी चिंताएं हैं, बुद्धि से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारी चिंताएं आपकी 2026 में निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अच्छा, 2026 में और क्या परिस्थिति, लेकिन 2026 के अंतर्गत अगर बात की जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए, बचने की आवश्यकता होगी, माता के स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए, 2026 में वाहन इत्यादि संभल के चलाना चाहिए, 2026 में विदेश यात्रा भी जरूर होगी, बिकॉज शनि मेष राशि के अंतर्गत करीब करीब पहुंचेंगे 2027 में, लेकिन 2026 में वो रहेंगे आपके फिफ्थ हाउस के अंतर्गत, तो ये ध्यान रखने वाला चीज होगा। 2026 करीब करीब मिला जुला व्यतीत होने वाला है, संतान से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन जीवन साथी और बच्चे से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं होंगी। 2027 की अगर हम बात करते हैं, शनि पहुंच जाएंगे आपके मेष राशि में 4 जून को, यानी शनि पहुंचेंगे आपके सिक्स हाउस के अंतर्गत। 2027 में करीब बृहस्पति आपके लिए जो पहुंच जाएंगे 24 जनवरी को 2027 को, वक्री होकर के कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे, यानी सिंह राशि में 2027 को सिंह और कर्क दोनों राशि में, क्योंकि बृहस्पति गोचर रहने वाला है। 2027 में जो परिस्थिति रहेगी राहु की, वो आपके लिए मकर राशि में रहेंगे। सो 2027 की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे जो दिख रहा है 2027 प्रोफेशनली, 2027 बहुत शानदार निकलेगा, कार्य क्षेत्र को लेकर के 2027 भी और 2028 भी, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, 2027 और 2028 आपके लिए बहुत बेहतरीन निकलेगा। घर इत्यादि का सुख, या कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है और बहुत दिन से उसका जो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वो रिस्पांस इत्यादि आपके लिए बहुत अच्छा आएगा 2027 में, वो रिस्पांस 2027-2028 में। तो 2027-2028 कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, विस्तार करने में, नई नौकरी प्राप्त करने में, रुके हुए कार्य को बनने में, इन सब चीजों की तरफ बहुत शानदार निकलेगा। यानी कार्य इत्यादि के क्षेत्र को अगर लेकर के बात किया जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। संतान इत्यादि को लेकर के पारिवारिक जो परिस्थितियां रहेंगी, वो बहुत अच्छी रहेंगी। पारिवारिक परिस्थिति की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं सिर्फ संतान की बात कर रहा हूं, संतान को लेकर चल रही आपकी चिंताएं बिल्कुल दूर होंगी, कार्य को लेकर के चल रही आपकी चिंताएं बिल्कुल दूर होंगी, कार्य और संतान को लेकर के चल रही चिंता आपकी दूर होगी। इस टाइम राहु भी आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे, तो आपका आत्मविश्वास जो है वो बहुत शानदार रहेगा, बहुत बढ़ा रहेगा आत्मविश्वास आपका। ये रहेगा 27 जून 2028 तक, इस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। भाई बहनों से थोड़े मनमुटाव जरूर होंगे, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, बाकी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। चलते हैं 2028 की थोड़ी बात कर लेते हैं, 2028 बेहतर दिख रहा है, लेकिन अंतिम की बात कर लेते हैं। राहु चले जाएंगे धनु राशि में 2028 में, वो 23 जून के बाद, 2028 में 23 जून से लेकर के और 1 अक्टूबर 2030 तक, 10 जनवरी 2030 तक, इस बीच में पैसा बड़ा इन्वेस्ट करने से बचना होगा। इस टाइम पर पैसे के नुकसान का योग है और कुटुंब में बड़ा उत्पात हो, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा और पारिवारिक परिस्थितियों को संभाल कर चलाना होगा। अपने शब्दों पर ध्यान रखो, बिकॉज राहु नीचस्थ हो जाएंगे आपके सेकंड हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, सेकंड हाउस धन का भाव है। अब अगर मैं 2029 की बात करता हूं, 2028 की बात करता हूं, बृहस्पति अपने लिए तुला राशि के अंतर्गत रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति सपोर्टिव रहेंगे नहीं, 12th हाउस के अंतर्गत रहेंगे। अब यहां पर क्या रहेगा 2028 में, स्टार्टिंग में तो कन्या राशि के अंतर्गत ही रहेंगे, सिंह और कन्या में ही स्पेशली रहेंगे, 2027 में चले जाएंगे। कन्या राशि में रहने से 2027-28 में संतान इत्यादि का बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाले हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में आपको लाभ देने वाले हैं, ब्रेन आपका स्पीड से चलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति देने वाले हैं। तो प्रोफेशनल और संतान, दो तीन चीजों को लेकर के, तो बृहस्पति आपका सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति 2028 के अंत में तुला राशि में चले जाएंगे, यहां से इनका सपोर्ट बंद हो जाएगा आपको।
तो यहां पर बृहस्पति जो है वो आपके लिए एक तो बच्चे को दूर भेजें, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। और 2029 में जब तुला राशि में चले जाएंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर करके चलने की आवश्यकता होगी। हाँ, विदेश यात्रा या एजुकेशन के सिलसिले में कोई बच्चे करना चाहते होंगे तो जरूर वो प्राप्त होगी। इस टाइम संतान की मैरिज इत्यादि को लेकर के, संतान की पर्सनल लाइफ को लेकर के थोड़ी चिंताएं रहेंगी, लेकिन 2029 में कोई ऐसा पद आपको जरूर प्राप्त होगा जिसकी इच्छा बहुत दिन से आपको रही होगी। कोई ऐसा पद, कोई ऐसी प्रतिष्ठा आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगी जिसकी इच्छा आपके जीवन में आपको बहुत दिन से रही होगी, जिसके लिए आप बहुत दिन से विचार कर रहे होंगे, कर रही होंगी। ऐसी परिस्थिति 2029 में आपको जरूर प्राप्त होगी। 2030 के अंदर अगर स्पेशली बात की जाए, ये 2030 आपके लिए धमाकेदार साबित होगा। यहां पर जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और जहां पर आपको करीब वृद्धावस्था में, स्पेशली जो लोग हैं, जो लोग वृद्धावस्था के अंतर्गत हैं या लोग 35 साल से 40 साल के बीच में हैं, एक नए जीवन की शुरुआत होगी, एक नया रास्ता आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होगा, एक नया मार्ग प्राप्त होगा। नौकरी छोड़कर व्यापार करेंगे, उसका धमाकेदार रिस्पॉन्स आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होगा। तो 2030 आपके लिए बहुत बेहतरीन निकलेगा। आइए, ये चर्चा फिर किसी कार्यक्रम के अंतर्गत जरूर करेंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूँ, जो बिल्कुल फ्री होता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ, फ्री में अपने बारे में बात कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा कराना चाहते हैं, धार्मिक कोई भी आयोजन चाहते हैं और चाहते हैं उससे एस्ट्रोलॉजिकल लाभ हो, आपको पितृ शांति इत्यादि हो, आसपास के लोगों को लाभ हो, सनातन धर्म के लोग एकत्रित हों, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, मैं आकर ये कार्यक्रम स्वयं करता हूँ। साथ में आप यदि अपने कुंडली के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत सारी छोटी बनाई है, इससे बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज बनाना चाहता हूँ, सो अगर आप मेरे साथ विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही शुभकामना। जय श्री राम।